Hey guys, morning. I hope you all are fine. By the way, I am Vishwan. You are watching my video diary. तो फ्रेंड्स अभी मैं मॉर्निंग वॉक में आया था और वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ. भाई फेल हो जाता है वीडियो बनाने के लिए निकलता हूँ, कोई भी काम आ जाता है. और मेरा विचार है, आप देख सकते हैं इधर दो फ्रेंड आ रहे हैं और क्या आपके साथ एक बहुत बड़ा वीडियो शेयर करने के लिए चाह रहा हूँ, जो कि मेरा कोई भी फैमिली वाला और रिलेटिव वाला ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, मत देखो, स्किप करके क्वाइट हो जाओ जल्दी से. और ये वीडियो है मेरे एक्सीडेंट के बारे में और अभी मैं मॉर्निंग वॉक में आया हूँ. आपको चाहिए मॉर्निंग वॉक का वीडियो, मेरा सुबह से शाम तक कैसे जाता है, मैं एक वीडियो बना दूंगा इस वीडियो के बाद. तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, जो कि है मैं कल गया था DL करने के लिए. ड्राइविंग का फाइनल टेस्ट था मेरा और वो कंप्लीट हो गया है. 10-15 दिन में DL आ जाएगा. तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं कोई भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव भी वीडियो देख रहे हो तो पहले से ही मना कर दिया है, अभी तक दिख रहे हो तो मत दिखो. तो ये वीडियो है मेरा बड़ा सा एक्सीडेंट के बारे में, जो कि मैं चलाते चलाते किया था. तो गाइस, जो ये एक्सीडेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिसेंटली हुआ है. ये पाँच या छः दिन हो गया है एक्सीडेंट को. और मैं जो गाड़ी चला रहा था, मेरे पीछे दो बंदे बैठे थे और हम में से कोई भी एक भी हेलमेट भी नहीं पहना था. और क्या, उस इंसिडेंट को मैं याद करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो इतना जबरदस्त एक्सीडेंट था. तो आप भी इधर देख सकते हो जितना डीप है, एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप भी इधर देख सकते हो कितना डीप है. तो ये जगह में मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, एक दूसरे जगह में एक्सीडेंट हुआ था. तो मैं इस जगह में सुनसान है इसीलिए आके बना रहा हूँ वीडियो. तो मैं, हमारे आगे दो बंदे जा रहे थे स्पीड करके, हमारे साथ गए थे, हमारा गांव के है वो दोनों. तो वो स्पीड में आगे निकल गए और मेरा और दो फ्रेंड उसको देख के चार्ज होके वो भी आगे निकल गए स्पीड में और मैं भी चार्ज होके फुल स्पीड में. भाई एक्सीलेटर नहीं था घुमाने के लिए तो मैं भी फुल स्पीड में आ गया और क्या जोश में आके होश खो बैठा. जो टर्निंग पॉइंट आया ना, वो मैं बहुत फुल स्पीड में, गाड़ी फुल स्पीड था और मैं सोचा शायद कट के चला जाएगा, लेकिन नहीं कटा. और मैं भी ब्रेक लगाने के लिए कोशिश किया, उस टाइम में इतना स्पीड था ब्रेक भी नहीं लगा, लेकिन ब्रेक ठीक ठाक था, ब्रेक कड़ा ब्रेक था, लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स. बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पास कुछ क्लिप है, जो उस टाइम में मेरा एक फ्रेंड वो क्लिप को शूट किया था. तो वीडियो क्लिप नहीं है, एक दो फोटो है मेरे पास. इतना डीप है इधर, आप देख सकते हो इधर खेती होता है, लेकिन उधर खेती होता है लेकिन बहुत दूर में होता है. उसके साइड में एक डैम था और डैम का रिसेंट काम चल रहा था, इसीलिए थोड़ा मिट्टी ऊपर जमा के था और हमारा गाड़ी उड़ के गया. भाई सच में मेरे को भी पता है क्योंकि मैं चला रहा था, गाड़ी उड़ के गया और वो जो मिट्टी था उसमें जाके टकराया और हम तीनों बंदे गिर गए और एक बंदे सेंसलेस हो गया. जो एक्टिवा स्कूटर है, आपको पता है उसका जो फ्रेम है उसका फेस के ऊपर ऐसे गिर के था और मेरा और एक फ्रेंड जो पीछे आ रहा था वो गाड़ी रख के बहुत जल्दी से आ गए और गाड़ी को उठाया, मेरे को उठाया और सबको माइनर इंजुरी था, किसी का भी एक भी छोटा सा स्कार्च नहीं हुआ था, लेकिन लेकिन छोटा छोटा इंजुरी था, बॉडी इंजुरी, वो दो दिन में ठीक हो गया, लेकिन भगवान का शुक्र है हम लोग बच गए.
और कोई नहीं, गाड़ी दिख के चलाएंगे। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ, गाड़ी दिख के चलाओ, कंट्रोल में चलाओ, स्पीड में मत चलाओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड में चलाओ लेकिन आपके कंट्रोल में चलाओ, जोश में आके मेरे जैसे होश मत खो बैठो। तो ठीक है, कोशिश करेंगे ऐसे टर्निंग पॉइंट में स्पीड नहीं चलाने के लिए, और सबको देखेंगे भाई। लेकिन उस टाइम में मैं जोश में आके होश खो बैठा था, कोई भी रोड में एक भी बंदे नहीं थे, सिर्फ हमारा जो दो तीन बंदे थे, इसीलिए हम गाड़ी रेस करे। तो ठीक है, लाइफ में ऐसे ऐसे आता है और ऐसे सब सबक हमको मिलता रहता है, नहीं तो मैन लाइफ है, कैसे जानेंगे सब कुछ, सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए ना। तो हाथ दुख रहा है कैमरा को पकड़ते पकड़ते। तो ठीक है, मिलते हैं और एक अच्छा ब्लॉग के साथ, और आपको एक गुड न्यूज देता हूँ, मेरा कल वाले ब्लॉग में, कल एक मेरा कैसे दिन कटता है सुबह से लेके शाम तक, एक वीडियो आ जाएगा, देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।